राजधानी पटना की है। प्राइमरी तो अपराध की खबर बताएंगे, लेकिन फिलहाल बेतिया से बड़ी खबर आ रही है। बेतिया में विधायक की गुंडई सामने आई है। जी हां, बड़ी खबर, नरकटियागंज अनुमंडल के सहोदरा थाना क्षेत्र का मामला है। बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा की दबंगई सामने आई है और दबंगई का एक वीडियो वायरल हुआ है। खेत में पहुंचकर पट्टीदार पर हमला बोला है। तो बड़ी खबर, वीडियो में महिला विधायक पट्टीदार से हाथापाई करते नजर आ रही है। नरकटियागंज अनुमंडल के सहोदरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर बेतिया से आ रही है। लेकिन एटीवी भारत फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बेतिया से संवाददाता जिशान अहमद फोन लाइन पर जुड़े हैं। जिशान, ये पूरा मामला क्या बताया जा रहा है और वीडियो में जो महिला हाथापाई करते नजर आ रही हैं, क्या वो विधायक रश्मि वर्मा है? हाँ, प्रणाम मैडम। हेलो जिशान, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, प्रणाम मैडम। जिशान, जिस महिला की जिशान जिस वीडियो में महिला दिखाई दे रही है, उस वो महिला क्या विधायक रश्मि वर्मा है? जी, ये विधायक जो है बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा जी हैं और उनकी जेठानी मधु बत्रा जी हैं। इन दोनों के बीच में लीची के बगीचा को लेकर बाद पहले से जो था उस पर केस भी चल रहा था और बताया गया कि शुक्रवार की सुबह ये दोनों लोगों के द्वारा किसी दूसरे लोगों से आम के बगीचे को बेच दिया गया है, अलग अलग व्यक्तियों से बेच दिया गया है। बेचने के बाद इसी को लेकर के मामला गर्म हुआ है और दोनों में विवाद झगड़ा झंझट हुआ है, जिसमें रश्मि वर्मा विधायिका जो है अपने जेठानी और अपने भतीजी के ऊपर हाथापाई कर रही है। तो इस वीडियो की पुष्टि हो गई है जिशान, क्या इस वीडियो में जो महिला है वो रश्मि वर्मा ही है? जी, इस वीडियो में रश्मि वर्मा विधायिका ही नजर आ रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के विधायक रश्मि वर्मा हैं ये जो हाथापाई करती नजर आ रही हैं और हमारे सहयोगी ने भी कहा कि रश्मि वर्मा जो कि उनके आपसी विवाद यानी परिवार में ही जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और ऐसे में उन्होंने हाथापाई की है अपने ही जेठानी और उनकी बेटी के साथ। और चलिए अब अपराध की बात करते हैं। अपराध दिन पर दिन बढ़